गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और इस टाइम है इवनिंग का टाइम और हम लोग आए हुए हैं छत पे। तो छत पे हम इधर उधर पहले देख रहे थे, तो इस टाइम क्या होता है कि हम पौधों में पानी डाल देते हैं कि जो शाम का पानी होता है ना डाला हुआ, तो वो दूसरे दिन पूरा जो होते हैं गीले रहते हैं पौधे। तो बस ये इस टाइम में पौधों में पानी डाल रही हूँ। और कैमरा हमने साइड में लगाया था, तो हम इस टाइम फिर क्या है वॉक कर रहे थे, लाइटें भी जल गई है उधर की सारी, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तो बस हम वॉक कर रहे थे क्योंकि हम डेली आते हैं छत पे, क्योंकि ये आजकल ऑफिस तो जाते नहीं है, इनका वर्क फ्रॉम होम है, तो सारा दिन बंदा कंप्यूटर के पास बैठा हुआ भी ना थक जाता है। तो बस हम शाम को आ जाते हैं आधे पौने घंटे के लिए घूमने के लिए। तो बस यही वॉक हो रही है। और हम बोल रहे थे कि देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है, ठंडक आ रही है, तो ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ी थोड़ी मतलब ठंड हो रही है। और सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छी ठंड होती है। तो बस मोस्टली स्ट्रीट लाइट वगैरह जल चुकी है और आंटी वगैरह सामने बैठे हुए थे और ये अब पौधों में पानी डाल रहे थे कि थोड़ा सा ना मैं डाल देता हूँ पौधों में पानी, तो मैं कैप्चर कर रही थी। और ये हमारे रोजेज खिले हुए हैं यहाँ पे छत पे, तो एक में लाइट है, डार्क है, तो वो है। तो बस अब हम छत से आ गए हैं नीचे और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारियाँ। तो आज हम लोग बना रहे हैं, गेस कीजिएगा क्या बना रहे हैं हम। तो ये हम बना रहे हैं सांभर, जिसमें मैंने डाला है गाजर, कद्दू, टमाटर और जो प्याज कटे हुए वो स्लाइसिस में हैं, बीन्स डाले हैं मैंने और कुछ मैंने स्क्वायर में काटे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई में है तड़का डाल दिया है, क्योंकि मैं स्टार्ट की मैं क्या करूँगी छौंका तैयार करूँगी, तो इसमें जो मैंने स्लाइसेस में काटे थे प्याज उसे मैं थोड़ा थोड़ा भून रही, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और इसको बिल्कुल मैं अलग अलग से कर रही हूँ, बिल्कुल सिंगल पीस कर रही हूँ इसको। तो बस थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी इसको और फिर मैं इसके बाद डालूँगी जो मसाले डलते हैं ना। तो ये मैंने डाला है सांभर मसाला, तो सांभर मसाला सांभर में तो डलेगा ही, ये तो आपको पता ही है। तो ये डाले मैंने टमाटर जो मैंने थोड़े मोटे मोटे काटे थे, और ये मैंने थोड़ा सा क्या किया इसमें पानी डाल दिया है जिससे कि टमाटर प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब मैंने इसमें डाला है हींग थोड़ा सा, और ये लाल मिर्च एक चम्मच लाल मिर्च है इसमें, और ये गाजर है जो गाजर कद्दू, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी मसाले में और बस 2 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी, और बस जिससे कि क्या है सारा मसाला मिल जाएगा इसमें। और दूसरी साइड क्या था कि मैंने कुकर में दाल रख दी थी उसमें, और जो मैंने ये स्क्वायर में प्याज काटे थे इसको मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी, इसे मैं पकाऊंगी नहीं। तो बस कुकर में मैंने दाल डाली थी जिसमें मैंने कि एक विसल लगाई है, और अब मैं इसको जो मैंने मसाले भुने थे प्याज गाजर वगैरह वो सारी वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि इसके बाद जो हमने सारी वेजिटेबल इसमें डाल दी है ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे इमली डालेंगे इसमें, जो इमली का पल्प होता है। तो पहले मैंने आधा डाला है, फिर टेस्ट करके हम देखेंगे कि ज़्यादा खट्टा तो नहीं है या कम है, तो फिर मैं दोबारा इसमें इमली डाल दूँगी। मगर मैंने सारी इमली इसमें डाल दी थी, और फिर मैं इसमें 2 विसल लगाऊंगी। तो ये बन चुकी है हमारी सब्जी सारी, और इसमें मैं डाल रही हूँ छोटा सा चम्मच एक चीनी का, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इसे मैं फिर इसे 1 विसल आने तक और पकाऊंगी, और लास्ट में मैं करूंगी इसके लिए छौंका तैयार। तो बस इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ राई, राई को हम चटकने देंगे। और फिर मैंने इसमें क्या किया है थोड़ा सा हींग डाला है, और ये डाली है मैंने लाल मिर्च इसके अंदर, और ये जो हल्दी और लाल मिर्च मैंने फिर डाली है सूखी। तो बस ये भुन चुका था, और ऊपर से मैं डालूंगी इसमें तड़का जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो लाल मिर्च तो मेन इसका जो होता है इंग्रेडिएंट्स वो होता है, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा था और खाने में वाकई बहुत टेस्टी था। मैं सांभर खाती नहीं हूँ, ये बच्चों की फरमाइश पे बनाया था, मगर नहीं मैंने आज खाया था तो बहुत ही अच्छा सांभर बना था। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ बता दीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा है, और आप लोग भी आइए खाने के लिए। और इसके साथ हम बना रहे हैं आज इडली। सांभर को वैसे हम चावल के साथ भी खा सकते हैं, मगर आज इडली की फरमाइश हुई थी तो इडली बना रहे हैं हम। तो ये MTR का जो हम रेडीमेड होता है ना वो पैकेट लेके आए थे राइस इडली। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी
जो इसका मिश्रण होता है इडली का, और इसमें मैं डालूंगी एक कटोरी हाफ, इसमें जो दही होता है वो डलता है, जो कि मैंने पूरे तरीके से फेंट लिया था, और थोड़ा सा फेंटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसे मिलाऊंगी जिससे कि हमें पता चलेगा इसमें कितना पानी डाला है। तो उसमें इसमें मैं 1.5 कटोरी पानी की मिक्स हो जाती है, तो बस इसे मैं खूब फेंट लगाऊंगी, और 5 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, जिससे कि क्या है इसमें पूरा जो झाग वगैरह होती है वो आ जाएगा। तो ये है हमारा इडली स्टैंड। तो इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है नीचे, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये बैटर जो हमने बनाया था, और दूसरी साइड कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया 1 गिलास, जो कि उबल चुका है, और उसमें मैं इसे स्टीम करूँगी। तो फ्रेंड्स, जो ये इडली स्टैंड है ना, ये मुझे मेरी दीदी ने दिया था जब हम उनके घर में गए थे, यानी कि मेरी जेठानी ने दिया था मुझे। तो मुझे हमेशा उनकी याद बहुत आती है जब भी मैं इडली बनाती हूँ, वैसे तो याद हमेशा ही आती है। तो बस इसे मैं डाल रही हूँ कुकर में, और इसे बहुत ही केयरफुली डालना, क्योंकि कुकर हमारा पूरा गर्म होता है, हाथ जलने का भी वो होता है। तो बस कुकर को मैं बंद करूँगी और उसकी विसल मैं निकाल दूँगी, और मैं इसे 5-6 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। तो ये स्टीम हो चुके हैं और साइड में मैंने निकाल दी, और फिर उसे मैं 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगी। और इसका चेक करने का तरीका होता है कि इसमें हम चाकू डालें तो बिल्कुल साफ़ ऊपर निकलता है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मतलब इडली बनी थी, और काफ़ी बन गई थी 2 कटोरी में, मतलब 3 लोगों के लिए बहुत बन चुकी थी, और दूसरे दिन के लिए भी बच गई थी। तो बस ये जल्दी जल्दी बनने वाला खाना होता है, सस्ता, चीप एंड बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आइएगा, आप लोग भी डिनर में इनवाइटेड है, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, और यहाँ पे आप लोग भी आइए, और हम लोग कर रहे हैं डिनर। तो क्या है कि मेरा मन नहीं कर रहा था आज खाने के लिए, मैं कह रही थी कि मैं बाद में एक आधी इडली खा लूँगी, तो मैं बस वैसे इनको कंपनी देने के बैठ गई थी, और मैं इनसे पूछी थी भी कैसे बनी है इडली, तो वो कह रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मतलब जो ये जो साउथ इंडियन खाना होता है, मैं थोड़ा कम बनाती हूँ, मगर कोशिश की है तो अच्छी बन गई। ये एक बारी मैंने पहले भी बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तो ये लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छी बनी है, और बस ये खा रहे हैं, और साथ में टीवी भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आया था कौन बनेगा करोड़पति, तो बस ये लोग खा रहे थे। और